नमस्कार दोस्तों। तो मिस्टर मीना यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और आज एक जबरदस्त वीडियो के साथ में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और मेरे साथ है ये महाराज जी, क्या नाम है सर? हेमराज जी। महाराज जी है, ये यहाँ के स्थानीय निवासी है और ऐसी जगह है जो मतलब ना तो मैंने देखी और शायद ही आपने देखी होगी, और उसका नई इतिहास है जो वो पहली बार मैं आपको इतिहास बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा भूड आया, मतलब मिट्टी है, तो मेरी गाड़ी जो बुलेट है, बुलेट भी हाँप गई यहाँ पे, क्योंकि इतना यहाँ पे मिट्टी है। तो उस कंडीशन में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और भाई के लिए इतना सा काम कर देना क्योंकि हम जाएंगे बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच और वहाँ पे एक ऐसी जगह बताएंगे बिल्कुल सीक्रेट। लेकिन आप वीडियो में बने रहे, मैं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, आप वीडियो के साथ चलते रहिए। और मेरे साथ जो मतलब आपको पीछे वाला बिल्कुल घने जंगल में है, तो मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार 360 डिग्री का रोटेशन लेके बताइए कि किस जगह पे, बिल्कुल स्लो मोशन में, मतलब 360 डिग्री का रोटेशन से आपको बताएंगे कितने घने जंगल में हमें यहाँ पे कोई जानवर भी खा सकता है, कुछ भी अटैक हो सकता है मतलब। और बिल्कुल हम केवल 3 आदमी है, कैमरामैन और एक मैं और एक महाराज जी, तो हमें इसका इतिहास बताएंगे महाराज जी कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और ऐसा बोलते हैं यार दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे दिन में जाना अलाउ भी नहीं है, लेकिन हमने इस वीडियो के लिए आपको स्पेशली मतलब आपके वीडियो के लिए बुलाया है। मतलब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हॉन्टेड पहले से, मतलब यहाँ पे दिन में भी आदमी नहीं जाते बिल्कुल। हाँ जी, और वो जगह है तो महाराज जी वो कौन सी जगह है? रांगसा की बावड़ी बोलते हैं, मतलब कांगस, मतलब मीणा रहता है। हाँ, पहले जो दोस्तों जो मीणाओं के आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मीणाओं की 24 खापे होती है, उसमें से मतलब आपने उसमें से एक गोत्र मिलेगा आपको कांगस। और जो आपका भाई, जो मैं भी मीणा ही हूँ, तो जैसा कि मेरे चैनल पे आपको दिखा मिस्टर मीना टोंक के हिसाब से, तो मेरा नाम है मीना और दोस्तों मैं जो रिलेटेड हूँ कांगस गोत्र से, तो मैं खुद की बड़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बहुत ही जगजोर कर देने वाला है गांव के अंदर, जिसके उशेष आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप पूरा देखें और बने रहिए और एक एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों हमारे साथ आज इस जानकारी के साथ में हेमराज जी जो है योगी, और ये स्थानीय गांव के निवासी, पास ही में जो रामपुरा धाकड़ा जो गांव है उस गांव की निवासी है, और इनके जो दादा परदादा जो भी वंशज है, तो उनके मुंह से इन्होंने जो सुना और जो पढ़ा लिखा और जो देखा वो सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। और मेरे साथ दूसरे आदमी है, कैमरामैन यही की निवासी है, जो वो आपको बताते कौन है, आपकी साइड कैमरा करके बता दीजिए थोड़ा सा दूर करके। तो हमारे जो कैमरामैन है वो ये है, तो दोस्तों बता दें कि ये जो दोनों व्यक्ति है, तो हमारे जो कैमरामैन साहब है ये भी यहाँ के स्थानीय निवासी है, और हमारा जो आज का वीडियो है यही शूट करेंगे। और आपका नाम? सुरेंद्र बैरागी। ये सुरेंद्र बैरागी जी है, और आपको दोस्तों बता दें ये हमारा स्टूडेंट रहा था और ये 12वीं पास कर चुका है, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है, इसके 80% बनी है, और ये यहीं का जो है निवासी है, ये बहुत अच्छा वीडियो शूट करते हैं। तो समय नष्ट नहीं करते हुए हम उस पैलेस पे चलते हैं, उस जगह पे चलते हैं, तो बहुत कम है इसलिए। हाँ बिल्कुल टाइम कम है, और दोस्तों मैं बता दें, एक मिनट पकड़िए, तो मैं आपको बता दें कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल घनघोर जंगल है, कोई भी आदमी या कोई भी जानवर या कोई लुटेरे बहुत सारा आप देख सकते हैं, इतना घनघोर जंगल है कि हमारी मोटरसाइकिल ने जवाब दे दिया यहाँ पे, क्योंकि हम इसे भागना चाहें तो ये भगा भी नहीं सकते, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, शाम का टाइम है, तो हम जान जोखिम में डाल करके वीडियो बना रहे हैं, तो हम बिना समय नष्ट करते हुए हम यहाँ चल रहे हैं, तो चलते हैं और वीडियो के साथ एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हुए फोन रखना भी मैं क्यों बंद कर दे। तो आओ पंडित जी, अपन चलते बैठते टाइमर चालू है ना।
वो नहीं जाना। तो फाइनली यार दोस्तों हम लोग आ ही गए उस जगह का जो जिस जगह पर हम ले जा रहे हैं आपको। तो अब आप वीडियो को पूरा पूरा देखते रहे, ध्यान से देखें। अब आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल में आ गए। मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि आप धीरे धीरे बिल्कुल स्लो डायरेक्शन में आप बताइए कि यार अब अगर हम भागना भी चाहें यहाँ से तो कहाँ पे भागेंगे, और छिपना भी चाहेंगे तो कहाँ छिपेंगे। मतलब इतना घनघोर जंगल और इतना बारिश का मौसम, इतना डरावना मौसम है जिसका कि मतलब बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं था इतनी खतरनाक जगह ये। तो अब चलते हैं हम वीडियो के साथ में। तो हमारे को हम जानते नहीं रास्ता उस जगह का, उस वॉन्टेड पैलेस का और वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हमें पंडित जी ले चल रहे हैं, चलिए पंडित जी कहते हुए रास्ता। तो हमारे साथ वीडियो को बिल्कुल ऑन आइए, कैमरा मैन से मैं बोलूँगा हमारे साथ साथ जो वीडियो बनाते हुए आइए। और मैं जो है मेरी गाड़ी की चाबी निकाल लाता हूँ और इसकी जो है तो केल नहीं निकाल ले तो मैं इसका चाबी वाला लॉक लगा देता हूँ। तो दोस्तों हमारी बुलेट को यहीं मजबूरी में खड़ा करना पड़ रहा हमें, क्योंकि यार आप जानते हो कि यार इतनी रिस्क हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पत्थर है और अगर बुलेट हमारे पे गिर गई तो हमें टांग तो भूल जानी पड़ेगी। तो हमें रिस्क नहीं ले रहे और अब हम जंगल में जा रहे हैं यार। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तैयारी है, ये पानी के आने के कारण होती है खाई। अच्छा, ये पानी खड्डा हो जाता है इसलिए? हाँ, पानी का तेज बहाव होता है इसलिए। यार ये तो कितनी भयंकर कंदरा है यार, मैं कैमरा में तो बताऊंगा भी इसमें तो कोई मैं तो कोई जानवर तो नहीं रहता है, खतरनाक वाला बिल्कुल भीड़ है यार। दोस्तों अभी जंगल में आए हैं, अभी तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ कि हमें जो है जान जोखिम में डालनी पड़ रही है कि यहाँ पे एक सांप था बहुत बड़ा कोबरा, और वो जो कोबरा है एक सेकंड में जो है हमें कापे सांप वो। यार दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो वो कोबरा था, कोबरा ये रसल वाइपर हो सकता है यार। एक मिनट धीरे धीरे वीडियो को तो आप सलो मैं बता रहा हूँ वीडियो को देख सकते हो। ये कीड़ा सांप ये इससे करते हैं हम खिड़की से देखते हैं कि ये अरे मरा हुआ तो है क्या, जिंदा नहीं जिंदा और चलने लग गया यार ये तो। ये देखो दोस्तों ये चल रहा है, वो गया। तो यार वो जो उसका मुंह है सांप का वो इतना खतरनाक सांप है यार, देखो यहाँ पे वो चल रहा है यार दोस्तों। वो हमारी तरफ मुंह कर रहा है यार, वो जीभ भी निकाल रहा है साला। ये यहाँ पे है देखो, वो खा रहा है यार ये तो, देखो वो खाने जोड़ रहा है यार, कितना खतरनाक अटैक कर रहा है वो देखो। वो यार खतरनाक सांप, इस पे देखो जहर इसका दोस्तों, मैंने इसलिए लगाया इसको जहर से बर्देस ने साली ने। चलो यार यहाँ से वहाँ चलते हैं। तो यार अभी तो वीडियो स्टार्ट नहीं, उससे पहले सांपों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, वो आगे क्या होगा अब कितनी दूर है महाराज जी? ये वो जगह है जहाँ पे कभी लोग रहते थे, मतलब इस जगह पे देख सकते हो ये जगह है। अच्छा, यहाँ पे गांव भी था और बावड़ी भी थी। अब देखो दोस्तों आपको बता सकते हैं कि ये वाली जो ईंटें हैं आप देख ही रहे होंगे यार, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जैसी ईंटें वाली है, आप बिल्कुल आप क्लोज से आपको व्यू बता देता हूँ मैं कि ये वो वाली ईंटें और आज खुदाई में ये अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब वाकई यहाँ पे जो है बस्तियां थी और गांव वाले यहाँ रहते थे, ये बिल्कुल अवशेष है इसकी। इस तरीके से आप हमें पूरा बताना पंडित जी, क्योंकि हमने मेहनत करके और तेल बाल के यहाँ आए, और दोस्तों यार हमने पेट्रोल पंप करके बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे थे यार। प्लीज लाइक कर देना यार वीडियो को यार। ये पेड़ आ गई बारा मत, हाँ नहीं नहीं आगे आगे ये जाल है, ये सब जानते हैं यार पूरे। यार तुम तो बहुत ज्यादा जंगल में आ गए अपन तो, यार बहुत ज्यादा पानी आता होगा यार बारिश में, कितनी भयंकर खतरनाक है यार ये खतरनाक वॉशिंग सीन बहुत तगड़ा है यार। बहुत सुनहरा जंगल है, बहुत ही शानदार। यहाँ से एक बार एक बैकग्राउंड ले लो यार शानदार वाला, ये
सोलो मौसम में ना। तो यार दोस्तों बिल्कुल उस जगह पे हम आखिरकार आ ही गए जिस जगह की हमें तलाश थी। ये पुराना रास्ता है पहले गांव का, इधर एक गांव है रूपवास। आए गए इधर जिस जगह की तलाश है। बहुत घना जंगल है, बहुत भारी जंगल है भाई। लोगों रास्ता बिल्कुल खतरनाक है, पार करना बहुत आसान हो रहा है। ये खरगोश के लिए जगह बनाई गई है। तो यार ये बावड़ी थी है। तो भाई लोगों जो वो बावड़ी की हम बात कर रहे थे, वो जो आप देख रहे हैं सामने के अंदर ये गड्ढा टाइप, पंडित जी अब थोड़ा अंदर चलते हैं दिखाते हैं पूरा। ये क्या चीज है यार, ये क्या तो कोलीकंदा है। अच्छा हाँ। ये देख लो कोलीकंदा। कोलीकंदा जिससे क्या खाने खाने का? नहीं, ये दर्द मिटने के लिए। अच्छा तो यार दोस्तों ये थी बावड़ी है, थोड़ा अंदर चल चलते थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कांटों की, लेकिन थोड़ा देख इसको तो इस नारे को इधर हटा दो। नारे लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, पहले कौन पड़े जाते हैं ये बेड़ बेड़ चराते इधर उनके। तो ये थी वो बावड़ी है, ये पहले बहुत भारी बावड़ी थी इस जगह पे, सीढ़ियां वगैरह भी होगी सच्ची। अब तो मिट्टी के कारण नष्ट हो गए। तो यूं बोलते हैं कि यहाँ पे तो सीसी रोड से मतलब उसको जो आरसीसी से डकवा दिया बताया। ये वहां तक थी ये बावड़ी। हाँ। तो यार भाई लोगों जो जो ये जो बावड़ी है ये ही इसी को बोलते हैं कांगसो की बावड़ी, ये रांगस की बावड़ी बोलते हैं महाराज जी। हाँ। जो अलग अलग नाम से बोलते हैं। रांगस का मतलब राक्षस ही होता है, मतलब राक्षस टाइप के आदमी थे वो। वो 10-20 आदमियों को तो तुरंत ही खत्म कर देते थे, मतलब सिंगल आदमी बिना किसी हथियार के। तो ये बावड़ी दोस्तों यहाँ से जहाँ से कैमरामैन खड़े हैं यहाँ से लेकर के वो आप देख रहे हैं वो जो जगह है काफी बड़ी, इस साइड इसको खुदाई होगी, जो पत्थर पड़े हैं उन्होंने खोदा होगा इस बावड़ी को, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, यहाँ पे खुदाई करी है। और यहाँ पर जो मेन बावड़ी में इस जगह पे जो है कुछ ना कुछ रहता होगा यार, यहाँ पे कुछ गड्ढा खोद रखा है। क्या है ये, कौन ने खोदाई? ये तो कोई शाल व्याल रहते हैं। अच्छा उन्होंने ये होल खोदी होगी। तो यार दोस्तों इतनी बड़ी बावड़ी है, और आपको मैं चल के बता देता हूँ अंदर, इसमें मैं तो नहीं जाऊंगा ना अंदर। ना ना नहीं 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 यार, यहाँ पे जो है ऐसा बताते हैं कि वाकई बावड़ी की, क्योंकि वो जो सिगड़ी टाइप में बहुत बड़ा पत्थर दिख रहा है वहाँ पे कुछ अवशेष मिल रहे हैं, और जो चिनाई के जो पत्थर है खूब महाराज जी शायद वो जो चिनाई टाइप के लग रहे हैं वो पत्थर, वही है पत्थर वही। इसकी चारों तरफ की बाउंड्री रखी है उधर, वो बाउंड्री थी है उधर। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे है जो हॉन्टेड वीडियो बनाता है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा, और इस जगह का रात का नाइट का हॉन्टेड वीडियो बना के बताना, और फिर देखते हैं उनको भूत मिलता है या नहीं मिलता और वो होता क्या है उनके साथ में। दोस्तों मैं तो अभी दिन के समय में आया हूँ, लेकिन मुझे अभी फिलहाल बहुत भयंकर डर लग रहा है, हो सकता है कुछ भी हो जाए हमारे साथ में। और हम तीन आदमी है, और अभी आपको बताया था इतनी बड़ी मांद है यहाँ पे, हो सकता है यार ये शायद इतनी बड़ी मांद तो कोई बगेरे या चीते की हो सकती है। चीते हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी मांद सियार से नहीं खुद खुद सकती। इस जंगल में चीते वगैरह सब रहते हैं, सब रहते हैं। और आपको बता दें जरा सा का अवशेष जो सीढ़ी टाइप का वो जो पत्थर है थोड़ा सा वो आपको बता दें, शायद ये सीढ़ी होगी टूटी फूटी, लेकिन इस जगह पे उस बावड़ी का मतलब मैं मेन जो वाटर होता था, और इसी बावड़ी में वो जो पूजा करते थे, आज समय के साथ में ये बावड़ी अपनी विडम्बना प्रासु बहा रही है कि कोई आए वो रांगस और इस बावड़ी को वापस वैसा ही बना दे जैसी ये पहले थी। लेकिन दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं है,
कि यहाँ पे आके और इसे खुदवा सके। और दूसरी बात तो दिन में हिम्मत नहीं है, हमने तो हमने बड़ा कलेजा कठोर करके यहाँ पे आए हैं। और हमारी जो है आपको बता दें रूह कांप रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी में भी जो है हमारे जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। शायद मुझे लग रहा है, फीलिंग हो रहा है वाकई ये हॉन्टेड पैलेस है, हमें फील हो रहा है इस चीज़ को। मैं बता नहीं सकता आपको कि वाकई क्या फील हो रहा है, और आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप खुद आके देखना कि ये किसी जगह। और काफ़ी बड़ी बावड़ी है यार ये तो। इधर होके चलते हैं, इधर होके ऊपर होके दोस्तों आइए यहाँ से चलते हैं, सिड्डी को भी दिखाते हैं यहाँ पे निकलते हैं, इधर होके निकलते हैं। लग गए, लग गए, देखो इधर आइए, कैमरा मैन बहुत खतरनाक है दोस्तों, रास्ता बहुत खतरनाक है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। तो यार ये दोस्तों ये बता दे हम जाओ, ये दोस्तों ये बता भाई दोस्तों ये देख सकते नीचे बैठो भाई लोगों, अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे ये जो ये सीढ़ियां हैं दोस्तों, दिख रही है आपको, कैमरामैन से बोलूंगा इसमें दिख रही है बिल्कुल, ये सीढ़ियां उस टाइम की है जब उन रांगसों ने या कांगसों ने बनवाई थी, और इतनी शानदार डिजाइन है कि आज भी ये किसी से शायद बन नहीं पाए। मैंने बोला था वहां पे सीढ़ी निकल रही थी, उधर निकल रही तो ये जो बिल्कुल चिनाई है यहाँ की बावड़ी की, और यहाँ पे बिल्कुल वो चीज है आज भी है, ऐसा मुझे लग रहा फील हो रहा है। और वाकई ये बावड़ी की जो सीढ़ियां सिडिया में मिली यहाँ पे, वाकई यार पंडित जी तो सिडिया बहुत भारी है और बहुत भारी है, काट काट के बनाई है इन्होंने तो वो ये जब होगी तो ओरिजिनलिटी में, अगर 10-20 साल पहले मैं वीडियो बनाता तो शायद जाने के सब माहौल होता, लेकिन मैं तो काफी लेट हो गया। लेकिन फिर भी यार दोस्तों मेरी लाइफ में पहली बार मैंने इस जगह पे आया हूँ, मैं जान जोखिम में डाल करके, बहुत ही खतरनाक आप ये जाल हो गया, और सबसे बड़ी ये मूर्ति भी नहीं लेकिन जो पानी का जो बहाव है पहाड़ का वो पूरा इस बावड़ी में गिर गया, इस वजह से ये बावड़ी जो है शायद नष्ट हो गई। और कुछ बोलते हैं कि ये काफी गहरी बताई तो उसको सीमेंट से और जाने किससे बुरा बताया इसको, क्योंकि इसका वरदान था आज भी कि अगर इसकी खुदाई करके किसी को इसका पानी पिला दें तो उसमें वो ताकत आ जाती बताई। अब दोस्तों मैंने पानी पी के तो देखा नहीं, लेकिन शायद ये सी किदवंती है या भ्रांति है क्या है या इतिहास में, क्योंकि आदत ज़्यादातर जो इतिहास था वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो इतिहासकार जो लिखते हैं वो ऐसी ऐसी घटनाओं को दबा देते हैं या फिर निकालते नहीं है। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि यार यहाँ पे वाकई कोई बावड़ी है, क्योंकि मैं कैमरामैन से बोलूंगा पास में वाकई चिनाई है, कोई पत्थर नहीं है, यहाँ पे आके बता सकते हो इनको कि ये वाकई बावड़ी की जो है सीढ़ियाँ हैं, इस जगह पे किस तरीके से पत्थरों को पत्थर रख करके विदाउट चुने के किस तरह से बनाई हुई होगी। तो अब दोस्तों मैं चलता हूँ आपको उस गांव में ले चलते हैं जहाँ पे वो रहते थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है, देखो जाल के पेड़ है और मेरे इसमें चिपक गए हैं, तो मेरे ऐसे पेड़ बहुत है जंगल में, निकलने के लिए रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, खतरनाक रास्ता है। लग गए तुम्हारे बबूल बहुत है इधर। तो हमें महाराज जी अब उस जगह पे जा रहे हैं हम इस बावड़ी को देखने के, उधर का रास्ता भी दिखा दो कि कभी खुदाई करी होगी तो। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि यहाँ पे बावड़ी होगी, देखो भैया इधर आना एक मिनट, ऊपर जाके देखते हैं, इधर दिखाते हैं महाराज जी, एक मिनट हम आ रहे हैं, इनको दिखवा देते हैं। तो भाई लोगो ये रहा उनका पुरातात्विक इतिहास, पुरातात्विक नहीं, ये देखो चिनाई का जो अवशेष है बिल्कुल, ये जो दीवार थी कभी, इधर आओ मेरी जगह पे, ये दीवार थी और इस बावड़ी को जो खोदा गया होगा वो पत्थर उन्होंने खोद खोद करके कैसे निकाले होंगे, तो आप सोच सकते हैं भाई लोगों कि यार ये जो खुदाई में निकलते हैं इसे पटपड़ा क्या बोलते हैं, ये कच्चा पत्थर ही आपको दिखा दें, ये ठीकरी जो मृद भांड होते हैं दोस्तों उसके अवशेष है ये बिल्कुल, ये बहुत पुराना पत्थर है, काफी पुराना, ये जो ये देखिए दोस्तों मिट्टियों ये घड़े वगैरह रखते हैं यार, ये तो ज्यादा पुराने नहीं है यार, क्यों भाई लोगों आपको बता दें जो पत्थर ये दिखा इसको ये खोदा था, ये जो पूरा इसी बावड़ी में से खुदाई करी है इन्होंने, ये जो पूरा जो मलबा है इस बावड़ी का मलबा है, और ये काफी गहरी बावड़ी है, अब यहाँ से इसका पूरा पोत लो दोस्तों, निकलो ये देखिए भाई कांटे भग जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही भारी मामला है यहाँ तो, आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा किस तरीके से इसको डाया होगा उन लोगों ने, दुश्मनों ने, और
ये देखो यहाँ भी बताना दोस्त, इधर आओ, ये आज भी ये चिनाई हो रही है, बिल्कुल चिनाई है नहीं है। हाँ ये देखो बावड़ी के ऊपर के ऊपर की चिनाई है, देखो दीवार, ये देखो दोस्तों ये चिनाई है, अगर इसकी खुदाई करेंगे तो बिल्कुल प्योर ये बावड़ी है, वो बहुत बड़ी है यार, ये तो काफी वहां तक बहुत लंबी है। ये मलबा निकाला था उन्होंने इस बावड़ी का उन लोगों ने, और ये देखो यहाँ पे ये पूरे मर्दबांड है यार, इतने सारे, ये देखो ये पूरे मर्दबांड है, ये देखो ये आज इस बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई वाकई वो रंगस इसमें पानी पीते होंगे, इस मटकियों के अंदर जो आज फूट गए, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यार बहुत गजब का सीन है यार। और वो गांव कहाँ था महाराज जी, इतनी दूर है यहाँ से गांव, चलते वहां पे गांव, तो भाई लोगों वो जो वो रंगस या कांगस वो रहते थे, कहाँ रहते थे, वो उस गांव में ले चल रहे हैं आपको। ओ यार यहाँ पे वास्तव में एक घर होंगे सच में यार, कितने सारे मर्दबांड है यार, ओहो हे भगवान, वो यार हा? बिल्कुल यार, किस तरीके के मटके थे उस टाइम के, कच्चे पत्थर के दोस्तों, मिट्टी के बर्तन की डिजाइन आपको दिखा दे, बहुत ही प्राचीन, इस पे कुछ लगा हुआ है यार पंडित जी, नहीं नहीं ये तो कोई मिट्टी है, ओहो यार कितनी पुरानी चीज है, वास्तव में यार पंडित जी यार आज तो मजा ले गया यार। मुझे यार एक पल भर के लिए वो जमाना याद आ रहा, मतलब मैं सर उस जमाने में जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन सोच सकता हूँ भाई लोगों यार, यहाँ पर बस्तियाँ थी और लोग रहते थे, गजब की विडम्बना यार। एक बात करते हैं यार भाई लोगों, यार मैं महाराज जी पहले यहाँ पे जो आपके जो दोस्तों आज जो पैसे चलते हैं नोट चलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हमें कोई सिक्का या कुछ ना कुछ ऐसी कोई धातु की चीज़ मिल जाएगी तो हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, खैर बिना उपकरण के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार दोस्तों अगर आप कमेंट करके मुझे बोलोगे तो मैं मेटल डिटेक्टर ला करके और कोशिश करूँगा कुछ ढूंढने की, कि भाई कोई चांदी का सिक्का या कोई लोहे की धातु का टुकड़ा या कुछ भी अगर ऐसा मिलता है हमको तो उस वीडियो में मैं डिटेक्टर के साथ में आपको बताऊंगा, अगर मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिले थे हा? मिलते हैं क्या? हाँ किसी को मिले? हाँ मिले थे, सभी खोद कर ले जाते हैं जिसकी भाग्य में लगता है उसकी। अच्छा हाँ कुछ को मिले हैं तुम्हारे गांव में? अच्छा हा? पक्का है ये तो? पक्का है, खोद के भाग्य में सपना के अंदर चल जाते हैं तो उसको खोद ले जाते हैं। अच्छा अगर हम अपन ढूंढे उससे मशीन से, तो मशीन से ढूंढे तो कुछ तो मिलेगा। तो एक बार करते हैं दोस्तों, एक बार और वीडियो बनाऊंगा मैं आपको मेटल डिटेक्टर के साथ में आऊंगा विद उपकरण के साथ में, और एक बार इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा और इन्हीं पंडित जी को लेके आऊंगा, और हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, 2-4 घंटे का वीडियो बनेगा वो काफ़ी, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा हमें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे लग रहा है इन अवशेषों से कि हमें जरूर कुछ तो मिलेगा, और मिलेगा तो मैं दोस्तों आपको मिलेगा जरूर, वो तो घर बाहर छोड़ कर ही गए थे, मर गए थे। तो इतने सारे मर्दबांड यार यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्या करते थे वो, इतने सारे जो इतनी सारी टिकरियाँ, ये यहाँ पे था क्या यार ऐसी चीज, ये पूरी जगह पे यही पड़े यार, ओहो पूरी जगह पर मतलब ये मिट्टी के बर्तन थे यार, वाकई इसमें क्या काम, सच में यार ये बात तो सत्य है कि वो लोग सच में यहाँ पे जो है शायद पानी भर के ले जाते थे दोस्तों इसी बावड़ी में। तो ये जो सारी इनकी डिजाइन भी एक जैसी है बिल्कुल पूरी, ये देख सकते हैं आप, ये धारीदार ये डिजाइन आप देखो, मैंने मिला दी ये पूरी डिजाइन है। वाह यार देखते हैं उस गांव में चलते हैं, हमें कुछ मिलता है तो चलो चलते हैं दोस्तों। वाह यार पंडित जी मजा आ गया इस गाँव में यार, ये बहुत ही प्राचीन जगह, यानी कि उस जगह उस जमाने में आ गए हमें जब कोई गए यहाँ पे। लेकिन एक बात है ये बहुत प्यारी जगह है यार, यहाँ पर वीडियो बनाना केवल बरसात के दिन में लगता था। एक मिनट देना, ये क्या मिला भाई लोगों, देखो यहाँ पे जो है यार इस पत्थर में तो वजन ही नहीं है, देखो आप कौन सा पत्थर है, ये इस तरह की जो ईंटें और वो वाली ईंट मिली है जो पहले मैंने डिजाइन बताई होगी वीडियो में आपने देखा होगा, ये वाली ईंटें बनाते थे ये लोग,
ये जो पानी बैठा होगा इसमें वाकई सिक्के विक्के मिलते होंगे किसी को? बावड़ी में जा रहा नहीं ये पानी वाला? हाँ इधर से पूरा बाव बाव। अगर ये बाव नहीं जाता तो उस साइड में बावड़ी बच जाती। देखो जूम करके नील का ये देख लो नील गाय हमको देखकर चमक कर पक रही है। वो तो देख रही है, देखो किस तरीके से देख रही है यार। यार एक बात है, नील गाय अटैक भी कर देती है। बहुत सुनहरा जंगल है यार, गांव तो बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। हाँ। वास्तव में ये गांव बहुत प्यारा रहा होगा। ये गांव के समय के साथ में सब डस गए जी। हाँ समय के साथ दिखाएंगे आपको नील गाय पास में जाकर। नील गाय बिल्कुल हमें देख रही है। ओ यार एक बार यहाँ पे एक फोटो लेना, बहुत फोटो को वीडियो बंद करूँगा, वीडियो बंद कर दो फिर वापस ऑन कर देना। और ये तो भाई लोगों, अब वो जो गांव है, वो जो कांगसो का गांव था, बावड़ी तो हमने आपको दिखा दी, वो तो लगभग खत्म हो चुकी है। वो उनका पूरा पीछे वाला बैकग्राउंड आपको बता दे। और अब बिल्कुल हम इतने भयंकर जंगल में आ चुके हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। और मैं कैमरा मैन से बोलूंगा कि भाई एक बार बिल्कुल स्लो स्पीड में, एकदम स्लो स्पीड में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे तो जो है कोई भी नहीं है आदमी आसपास, केवल एक जो है ट्रैक्टर वाला इधर पत्थर भर रहा, उसकी मदद से जो है हम आ रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। और उस गाँव में वो वहाँ पे ही है ना, वो मलबा टाइप दिख रहा है उस, वो जो वहाँ पे कभी घर रहा करते थे उन कांगसों के, और वो उस बावड़ी से पानी भर के लाते थे। तो दोस्तों किसी भी कांगस मीणा ने या कोई भी मीणाओं ने ये जगह नहीं देखी होगी, और नहीं यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे ये वीडियो आया होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड पैलेस है, यहाँ की डरावना पैलेस है, यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता। तो भाई लोगों आप वीडियो में पूरा देखे, और कितना सुहाना नजारा है यार, ये कैसा रहा होगा जब ये गांव होता होगा, तब क्या होता होगा यहाँ पे। बिल्कुल एकदम ऐसी जगह पे रहते थे वो लोग, स्वर्ग है यार। इतनी सुंदर कहीं नहीं जगह मिलती, कहीं देखने को नहीं मिलती यार। भाई तू बीच बीच में फोटो भी ले लिया कर हमारी, क्योंकि भाई लोगों को बताएंगे। और जो मलबा कांगसों वाला जो मिट्टी क्या उसे आगे, भाई लोगों आपको बता दें, ये जो पुराने जमाने में भाई लोगों जो घर बनते थे ना, तो पक्के मकान नहीं बनते थे, वो लोग जो मिट्टी से बनाते थे, मिट्टी और पत्थरों से। और जो ये आप मिट्टी देख रहे हो ना, ये वही मिट्टी है, काली मिट्टी। कुछ लोग बर्तन बनाते थे, और यहाँ पे जो वही मर्दबांड के अवशेष मिल रहे हैं आपको, आपको ये देख सकते हैं आप, ये पूरे वही मर्दबांड है, ये देख सकते हैं आप, और ये मिट्टी के अवशेष हैं। आप ये देखो, ये देखो, ये मिट्टी है, ये देखो साहब, ये शायद इसमें खाना पकाते थे, ये काली वाली मिट्टी है, ये काला मर्दभांड है। और यार ये सच में यार, ये देखो यार, सच में ये मिट्टी के अवशेष है, मकानों के अवशेष। वो सम यार,
हे भगवान, मतलब कितनी प्यारी जगह पे रहते थे वो लोग यार। तो दोस्तों अब हम उस गांव में आ ही गए जो काफी सदियों पुराना है, और जो वीरान तो हो गया जो हो गया लेकिन वो लुप्त ही हो गया, जिसको आज एमआर मीणा वीडियो बनाने आ चुका है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरे मिट्टी के उसे आ चुके हैं, ये पुराने जमाने के मकान के पत्थर है, ये मकान ढसे हैं ये। तो पंडित जी ये जो मिट्टी है यहाँ से मिट्टी कहाँ से आएगी, ये मकानों के उसे से आएगी। ये शायद दीवारें हैं, ये वाकई दीवार, ये मिट्टी के घर बनाए थे उन्होंने। ये मकान की मिट्टी इधर मकान बिल्कुल दिख रहा है ना वो तो यार, ये मिट्टी है, मिट्टी का नहीं बस ये देखो। ओ ऑसम दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये डिजाइन अलग, इसकी डिजाइन डिजाइन देख लो आप, ये देख लो, वाओ गजब। और हम देखो पंडित जी कुछ सर्च करने की कोशिश करो, हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए। ये था वो गांव है, हाँ। ये इतना सा गांव था, हाँ, ये वहाँ से लेके वहाँ तक था, यानी कि ये कितनी प्यारी जगह थी यार, और कितनी बड़ी, मतलब देखो कैसी उसमें रहते थे वो, ये किला टाइप है मतलब। भाई हाँ। कैमरामैन एक बार बिल्कुल सलो मौसम में बता, इधर से देखो, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी और ये पहाड़ी। तो भाई लोगो यार ऑसम, कितनी भयंकर जगह यार, ओ शाबाश, मजा आ गया यार पंडित जी, एक दिल खुश कर दिया आपने यार, बहुत खान, मतलब ऐसा जगह तो मैं झालावाड़ में भी देखे आया था दोस्तों, मऊ के महल का वीडियो बताया था, लेकिन यार वो भी फीका है इसके आगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है इधर, और ये रहते कैसी जगह पे होंगे, ये यहाँ पे गाँव था और इधर भी पहाड़ी है, उधर भी पहाड़ी है, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, केवल सामने से जो दरवाजा टाइप है ये देख सकते हैं आप। भाई कैमरामैन चारों तरफ मेरी तरफ से एक बार दिखा यार, कितना शानदार चीज़ है यार, कितनी बढ़िया प्यारी जगह है यार, ऐसी जगह तो मैंने शायद ही जिंदगी में देखी होगी, और कोई गांव इस जगह पे बसा हुआ होगा क्या, चारों तरफ पहाड़ी, थोड़ा ऊपर करके पहाड़ी है लेकर के, आप देख सकते हैं यार चारों तरफ से 360 डिग्री का रोटेट करके हमको बताया आपने आपको, और इतनी शानदार जगह जो है दिख रही है, इतने घने जंगल के अंदर ये गांव बसता था पहले, और वो लोग यहाँ पे रहते थे, वो जो कांगस रहते थे यहाँ पे यार, बहुत ही गजब की चीज़ है यार भाई, खतरनाक चीज़ है यार। एक बात है पंडित जी यार, आपने ऐसी जगह पे लेके आए हो, मस्त मज़ा आ गया यार, अभी जो वीरान हो गया सारा फूट गया, लेकिन यार पंडित जी आपने कभी घर बने हुए देखे थे क्या आपने कभी यहाँ पे, काफ़ी बरस पुरानी पहले, हाँ पहले देखे थे आपने, हाँ। तो भाई लोगों देखो पंडित जी बोल रहे हैं मैं तो आया नहीं, देखो मैं तो आज ही आया हूँ, लेकिन जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो थोड़ा खंडर टाइप देखे थे, खंडर, खंडर करते ही बिल्कुल, मतलब थोड़ा थोड़ा दीवारें तो चुनी हुई होगी, हाँ, जमीन लेवल। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि भाई जमीन लेवल की दीवारें थी, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गई, बिल्कुल प्लेन हो गया। तो लग ना आप कितने साल बाद में यहाँ दोबारा आए, बहुत साल हो गए यहाँ, लगभग बचपन में आए हो, हाँ बचपन में, लगभग 31 साल तो हो ही गए होंगे, भेड़ बकरी चराने आते थे, तो भेड़ बकरी चराने आते थे ये लोग। तो ये बता रहे हैं दोस्तों इन्होंने थोड़ी थोड़ी दीवारें हो रही बताई यहाँ पे, आज की तारीख में तो वो दीवारें भी नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं है, केवल ये मर्दबांड, और कितनी डिजाइनदार मर्दबांड है ये, क्या होगा पंडित जी आपके साथ, क्या चीज थी, मेरे को लग रहा है ढक्कन होगा, ये ढक्कन था, एक ढक्कन, ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं ढक्कन था यार, पानी की, पानी का ढक्कन था, और सब बनाने वाला तो शायद खत्म हो गया होगा यार, उसको प्रकृति क्या चीज़ है यार, जो आता है वो चला जाता है, मौसम यार ही देखो मर्दबांड, ओहो पंडित जी देखो इधर यार, इतने बड़े बड़े इतने मोटे मर्दबांड भी थे, देखो आप देख सकते हैं, शायद ये कढ़ाई होगी रोटी पकाने की, देखो। अरे ये क्या है, इधर इधर आओ, वो क्या बना रखा है, मौसम यार पंडित जी देखो मुझे ये और मिल गया, सारे ये वाले मिल रहे हैं यार, ये क्या चीजें हैं, ये ढक्कन है, किसी के ढक्कन यार, पानी पीने के ढक्कन, तो ये कोई भेड़ बकरियों वालों ने बनाया होगा, तो यार उनके कोई पेड़ भी नहीं मिला हमें, वो लोग काट ले गए होंगे कोई, ये वो पेड़ है पुराने वाला उस टाइम का, उस टाइम देखो इधर आओ एक मिनट,
ये वाला पेड़ आप पहले आए थे जब भी था कहीं? हाँ, ये बहुत पुराना है। काफी पुराना है, यानी आप जब 30 साल पहले आए थे ये वाला पेड़ था क्या? हाँ, ये वाला पेड़ था। मौसम यार, एक बार बहुत यहाँ के एक पिक जरूर बनते यार, कितनी गजब की जगह पे। मौसम यार, इधर कितने लंबा पहाड़ है यार, माय गॉड। भाई यार दिल खुश हो गया यार, कुछ भी बोलो यार। मौसम यार खतरनाक, ऐसे उजाला करते हुए खतरनाक यार। पंडित जी यार, कितने घने जंगल में, कितनी प्यारी जगह थी यार। अब आपको बता दें दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो कितनी जगह प्यारी है यार। ये भगवान, जैसे ऐसा तो शिमला में नैनीताल में नहीं होता। और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसा आप देख रहे हो ये ढंडोरे, जैसे आपको पंडित जी बता रहे थे कि थोड़ी थोड़ी दीवारें हो रही थी यहाँ पे, अभी थोड़ी 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 दीवारें थी। तो भाई लोगों, ये जो क्या चीज़ है, ये अभी देखो कोई ईंट वगैरह उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो यार भाई लोगों, ये आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, तो इन्होंने इकट्ठा करके पहले कोई ये मकान बना रहे हैं, उन्होंने चुनावी नहीं करी थी। और आपको मैं वो यार पंडित जी, ये भी क्या चीज़, इतने बड़े बड़े आपको देख सकते हो इधर आके यहाँ कर। ये पत्थर देखो, एक मिनट देखो, ये कुछ डिजाइनदार कुछ। एक मिनट आप बताओ कैमरे पे खड़े हो। तो भाई लोगों देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ निकलेगा निकलेगा क्या, कोई मृदभांड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको खोदने की। तो पंडित जी एक मिनट इसे खोद देते हैं यार। अरे यार निकालो पत्थर को, खुद था ही नहीं वो, टूट गया। ए भगवान, ये मृदभांड था, कैसे लगा हुआ था यूँ यूँ? उसकी डिजाइन भी इधर नीचे डिजाइन इधर जो थी, ये पूरा ये बहुत प्यारी है इसकी यार। पूरी है, इसको निकालो बाहर, पूरी कैसे आएगी गड़ा हुआ। अरे यार क्या मौसम यार, वो पूरी डिजाइन है यार। ये मेरे को लग रहा है ये पूरा इस पूरा बर्तन ही होगा, इसमें कुछ भरा हुआ भी है यार। काली मिट्टी, समय के साथ मिट्टी जो है मौसम। भाई लोगों यार, प्रकृति सबको नष्ट कर देती है और सब कुछ करवा देती है। तो यार मैं जब ऐसी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यार देखो, हमारा जीवन बहुत सीमित है। अब जो ऐसे भारी लोग थे जो मतलब 10-10 जनों को एक अकेला आदमी ख़त्म कर देता था, तो वो भी नष्ट हो चुके हैं। पूरा निकालो, पूरा पूरा तोड़ो मत भाई लोगों, ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पर। अरे उधर उधर तोड़ो, टूट गया, टूट जाएगा यार। ये काफ़ी बड़ा था, ये देखो पूरा बर्तन था, ये पूरा बर्तन था। और इसकी डिजाइन देखने की, देखो आप यहाँ पे खोदने के लिए कुछ नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए खोदने के लिए। भाई लोगों इससे खोदना पड़ेगा। देखो ये यार, ये बहुत बारीक बर्तन भी थे, देखो छोटे वाले बर्तन भी थे। ज़्यादातर हमें ढक्कन मिले हैं, और ये बड़ा कुल्लड़ आप देख सकते हैं, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े भांडे होंगे इनके, और वो लोग रहते थे यहाँ पे दोस्तों। और ये जो कांगसो का गाँव बोलते हैं इसको, बहुत पुराना, बहुत बलशाली थे वो लोग। जो आज भाई एक बार दिखा, ये तमाम घर थे पूरे, जहाँ पे आपको डे टाइप दिख रहे हैं, या आंगन थे, घर थे, पेड़ हुआ करते थे, लोग खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, है क्या कुछ इसके अंदर? हो सकता है इस बर्तन में कुछ हो, अंदर हो ना, क्योंकि ये पूरा बर्तन ही है, ये देखो पुरानी मिट्टी है। भाई लोगों ये मिट्टी है चिनाई वाली, बर्तनों की, बर्तन बनाने की मिट्टी है। ये देखो यहाँ तक आ रहा है, ये ठीक रहने कर दिया है इसके अंदर यार, कुछ नहीं। मौसम यार, ये तमाम करते भाई लोगों, ये जो आपको डे टाइप दिख रहे हैं इस तरह से दीवारें हो करती। देखो आपको बता देता हूँ, ये देखो एक बार पंडित जी बताओ, एक बार कैमरामैन से बोलूँगा, देखो ये वीडियो ढंग से देखो आप, ये भाई कैमरामैन थोड़ा पीछे जाओ आप। तो देखो ये जो पंडित जी, देखो ये वाली जो दीवार थी, ये आ रही है दीवार यहाँ से, ये देखो ये दीवार यहाँ से, यानी कि ये पूरा का पूरा एक घर था जो आज पूरा घर गया है। ये देखिए आप, या उसे से ये पूरी ये दीवार है। देखो दोस्तों, ये जो पत्थर जम रहे हैं ना, ये दीवार थी। वाकई सही बोल रहे हैं, इतना इन्होंने चुना हुआ देखा था, तो आज ये इतना ही रह गया। ये देखो ये तमाम घर थे, ये जो जितने भी ढेर पड़े हैं तमाम घर थे वहाँ पे। यार एक पत्थर पड़ा हुआ बड़ा सा, वो चलते वहाँ पे क्या चीज़ है। ये पत्थर
ग्रीन पत्थर है। यहाँ पर कई तरह के पत्थर मिल रहे हैं। ये देखो इधर भाई, कैमरा में इधर ये आप देख सकते हैं। देखो देखो इतनी बड़ी ईंट थी, आज की कैसी होती है पहले वाली कैसी होती है आप देख सकते हैं। ये वाली ईंट यहाँ लगी हुई थी। ओह माय गॉड यार, पूरा का पूरा गांव है यार, कैसे नष्ट हुआ होगा यार। और देखो यहाँ पे और तो और गांव तो होगा जो होगा यार। ये सीन कितना प्यारा लग रहा है यार, ये कितनी खुश रहते होंगे ये लोग यहाँ पे यार। ये जगह कितनी प्यारी चल रही है, अपन को आनंद आ रहा है। ये देखो आप यहाँ पे मिट्टी के ढंग सारे इन्होंने फोड़ दिए होंगे यार। अगर सरकार को लगे तो इस बावड़ी को खुदवा सकती है यार, क्या चीज़ें हैं। एक बात है पंडित जी, अगर आपने यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लेके आए ना, हाँ। कुछ मिले अपन को यहाँ पे जरूर क्योंकि वो पुराने जमाने के जो सोने और चांदी के जो सिक्के थे, कोई एक तो मिलेगा टूटा फूटा, हाँ। कुछ थोड़ा बहुत कण ही मिलेगा। एक बार देखते हैं मेटल डिटेक्टर ला करके, देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। पर हो सकता है जब उनको नष्ट कर दिया होगा तो वो तो उसमें गिर गए होंगे। गिर गए नहीं, अंदर औरत और आदमी दोनों को ही उसमें गिरा करके मारा मारा और दबा दिया उनको, दबा दिया उसी से चिनवा दिया पत्थरों से। पत्थरों से भाई लोगों, इस जो बावड़ी दिखाई थी हमने तो वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जब वो वहाँ पे जल पूजा करते हैं, मतलब जो कांग्रेस जाति के जो लोग होते हैं वो पूरे जो कहीं के भी हो वो इसी बावड़ी में आकर के वो जो जल पूजा करते थे। और जब वो पूजा कर रहे थे आदमी और औरत दोनों, उसी समय वो जो आपने मैंने बताया आपको कि भाई कोई ढोली था, तो वो ढोली आपको सबको पता है ब्याह शादी में आता है और हमारा फिक्स बंधा रहता तो हम विश्वास करते हैं, तो वो लोग जो उस पर विश्वास करते थे वो जब वो पूजा कर रहे थे तो ऐसा बताते हैं कि वो जो औरत और आदमी दोनों को धोखे से मरवा दिया और उनको उसी समय जो पत्थरों से और मिट्टी से उस बावड़ी में दबवा करके और बाद में उसके ऊपर आरसीसी करवा दी गई सरियों से। ये घटना है तो इसका मतलब उनका जो जो औरतों ने जो चांदी सोने के, आपको पता है दोस्तों अभी अभी आप कौन सी समाज से हो उसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं हूँ मीणा समाज से और मैं कांग्रेस जाति से ही हूँ, खुद मेरा गोत्र कांग्रेस है। तो दोस्तों हमारी समाज की आप एक खासियत बता दें भाई, कैमरामैन इसको थोड़ा फिक्स कर ताकि वीडियो एकदम सेटल्ड बने, पीछे वाला और पोज आना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों हमारी जो मीणा कास्ट में क्या होता है कि औरतें 5-5, 6-6 किलो चांदी और मतलब कम से कम 10-20 तोला सोना पहनती थी, मतलब पुरानी औरतें, और आज भी पहनती है। जो आप देखना नोटिस करना हमारी साइड में, जो जयपुर साइड में, जयपुर सवाई माधोपुर साइड में आप देखेंगे इतने मोटे मोटे 2-2, 3-3 किलो की जो चांदी के कड़े जो पैरों में पहनते हैं, हाथों में जो आधा आधा 1 किलो के कड़े यहाँ पे, हाँ। बड़े यहाँ पे खुंगाली, यहाँ पे जो है कनकती और भी कुछ पहनते होंगे, हाँ। बहुत सारे गहने आपने राजस्थान के जो वेशभूषा और श्रृंगार में देखा होगा आभूषणों में, तो कई तरह के जो आभूषण वो पहनते थे। तो ऐसा कहते हैं कि वो पूरे औरत और आदमी उसी बावड़ी में दफन कर दिए बताए। तो अगर पुरातत्व विभाग यहाँ की जो अगर खुदवाई करती है तो वाकई यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ प्राचीन अवशेष मिलेंगे। और ये जो चीज़ें दोस्तों मैंने वीडियो में मैं सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक तथ्य तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ में जो पंडित जी है जो यहाँ किस्तानी निवासी है और इनके जो दादा परदादा तो उन्होंने जो घटना इनको बताई, उन्होंने उनको बताई, उनको उन्होंने बताई, उस अकॉर्डिंग जो है हमने आपको बताई। लेकिन कुछ भी बोलो यार दोस्तों, हमें तो इतना आनंद आ रहा है कि ये जगह एक बार कैमरामैन साहब पूरा चारों तरफ से जंगल है और हम खड़े हैं उस जगह पे जो है गांव था और इधर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और कितनी प्यारी जगह है यार। यहाँ पे तो वैसे आदमी जो है डर तो नहीं लग रहा है यार इस जगह पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद पॉजिटिव एनर्जी है यार। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ और ये शायद गाँव वहाँ तक था दोस्तों, वहाँ तक था, ये देख सकते हो आप इधर आइए, ये तमाम दीवारें हैं। ये सारे गरीब थे, देखो वो दीवार बन गई वहां पे। ये रहे मेरे पास, ये रहे गुर्दे, ये मिल गए, ये देखो
ये इधर की जो उसे पंडित जी देखो यहाँ पे जो है हमें ईटें और यहाँ पे जो काले मर्दबांड मिले हैं हमें लाल काले, आपने दोस्त को देखा होगा गुप्त काल के भी हैं, लेकिन इतने गुप्त काल के तो कह नहीं सकता, लेकिन ये तो मुझे यार बनावट से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ज़्यादा पुराने, ये लगभग मतलब बहुत पुराने होंगे, लेकिन यार बनावट ऐसी लग रही है जैसे थोड़े दिनों पहले ही होंगे। लेकिन यार ये ईंटें तो अभी की नहीं है, जो आप ईंट देख रहे हो जाने कौन से तालाब की मिट्टी से बनाया होगा इनको। ये जाने क्या है यार, देखो ये कैसी संरचना है इसकी, ये भी कोई मर्दभांड ही था मिट्टी का, वो आटा वाटा भरने का होगा। ये पूरे गरी गरे वो भगवान यहाँ तो बहुत सारे पंडित जी देखो तो सही यार, ये पूरा गड़ा हुआ इधर आओ दर्पण, ये कोई दीपक होगा देखो, देखो दीपक देखो, ये देखो वो सम यार दीपक था, ये देखो ऐसा दीपक ही होता है ना, ये देखो पीछे से ये आगे से बहुत सम यार, बहुत पुराना ही है, बहुत पुराना ही है यार। ये देखो ये कितने सारे अवशेष मर्दबांड है यहाँ पे, वो गजब, ये देखो और ये चुनरी, ये दिवाली है ना ये पूरी, हाँ। देखो ये ईंट की है, ये देखो ये पूरी ईंट है, ये देखो ओ वाह यार मजा आ गया यार, काफी गजब की चीज है। मुझे लग रहा है पंडित साहिब जो 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 मेरे को लग रहा है, देखो बनावट देखो कैमरामैन सर एक बार आप है ना वहाँ मेरे पीछे आइए, देखो दोस्तों उधर एक बार तेरे पीछे से कैमरामैन साहब को बोलूँगा इस साइड से दे, थोड़ा सा रोकना वीडियो को हल्का हल्का सा धीरे धीरे कैमरे को। दोस्तों इधर के सामने की जो पहाड़ी है, जब बारिश में कैसा पानी आता होगा यहाँ पे, इस पहाड़ियों का पानी उस बावड़ी में जाता होगा, उस जो पानी का स्रोत था इनका पीने का, वहाँ पे बावड़ी थी। और आपको बता दें देखो इसकी बनावट कैसी है, आप कोई भी जो इतिहास से रिलेटेड बंदा है, देखो मेरी इतिहास में काफ़ी रुचि है दोस्तों, वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इतिहास में, मैं कल्पना करता हूँ यार वो लोग कैसे रहते होंगे, वो कैसे पानी पीते होंगे, क्या खाते होंगे, मेरे की इच्छा है कि मैं भी देखता हूँ उन लोगों को, मेरी इतनी सी ख्वाहिश थी, लेकिन शायद मेरी ख्वाहिश तो पूरी होगी नहीं दोस्तों, मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको बता दें आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखा होगा कि जो जो भी वहाँ पे अवशेष मिले, तो आपको बता दें कि भाई थोड़ा सा किसको जो कैमरे को स्लो रोकना मतलब मोशन मत लेना, कि वहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा या मोहनजोदड़ो आपने फिल्म देखी उसमें भी देखना, कहीं पर भी या किताबों में पढ़ लेना, वहाँ पे जो बनावट थी वो एक तो होता था दुर्ग की तरह, मतलब यानी जो दुर्ग टाइप में ऊँचा स्थान पर तो रहते थे बड़े लोग और नीचे स्थान पर रहते थे आम लोग साधारण लोग। तो जो इस जगह पर जहाँ पर कैमरामैन सब खड़े हैं, आप एक बार पीछे का वीडियो लेकर के और इस जगह का दिखाना और वो सामने का दिखाना, तो शायद इस जगह पे तो वो जो बड़े लोग रहते थे और जो नीचे वाली जगह है वहाँ पे आम लोग रहते होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी बनावट से मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्यों? और ये हर जगह मिलता है ऐसा, क्यों? बता दिया आप, देखो अब दोस्तों आपको बता दें मेरे सामने का जो पोज दिख रहा है बिल्कुल ऊंचा कर दो इसको, दिखाओ ये नीचे वाला दिखना चाहिए मेरे पास में जो नीचे था, ये देखो आप मैं तो खड़ा हूँ ऊंचाई पे, मैं दोस्तों ऊंचाई पे खड़ा हूँ भाई लोगों, तो यहाँ तो रहते थे बड़े लोग रिहायशी लोग, और जो नीचे का जो ये दिख रहा है आपको ये तमाम जो मर्दबांड इधर के, आपको बता दें मुझे एक चीज़ देखने को मिली इधर हम आए तो, आपको सर्च करके बता दें तो जो इधर के जो मर्दबांड है दोस्तों, तो इधर के जो मर्दबांड है वो मोटी मिट्टी के पत्ते, देखो इससे स्टैंडर्ड है। देखो दोस्तों आप उनको पता है जो गरीब आदमी है वो हल्की चीज़ लेके आता है और जो अमीर लोग होता है मजबूत चीज़ लेके आता है, तो यहाँ के जो मर्दबांड आप देख सकते हो तो इतने मोटे मोटे मर्दबांड थे जो उधर से हमने कलेक्ट किए, भाई जो मत करना उसको है ना, जो मोटे मोटे होते थे वो जो पतले उधर हमें मिले मर्दबांड, बहुत पतले पतले मर्दबांड मिले थे, ठीक है, इसका मतलब वो लोग आम लोग थे और गरीब लोग रहते होंगे इस वजह से वो वैसे मर्दबांड यूज़ करते होंगे, और ये लोग काफ़ी संपन्न होंगे यहाँ पे जो भी घर होंगे इस जगह पे, भाई तेरे पीछे का भी ले लेने ये बताए टीला साग हो रहा है, और ये बिल्कुल ये देखो आपको इधर आओ पंडित जी आपको बता दे भाई, वाकई ये देखो अवशेष ये वाला आपको बता सकते हैं,
ये देखो ये चिनाई वाला, देखो भाई इधर कैमरामैन साहब, ये देखो ये चिनाई देखो दोस्तों, ये दीवार दिख रही होगी आपको, वो देखो ये चिनाई बिल्कुल साफ आ रही नज़र भाई लोग, ये देखो ये दीवार, तो शायद यहाँ पे जो लोग रहते थे ना दोस्तों, वो लोग तो यार मैं तो वीडियो बना करके थक ही गया, तो भाई लोगों देखो यहाँ के जो मर्दबांड थे वो काले मर्दबांड हैं, मतलब आपको पता है काली जो मर्दबांड होते हैं यहाँ के तालाब के, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, और आज भी तुम पंडित जी बैठो एक मिनट, मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ भाई, थोड़ा पीछे जाके मेरे पीछे का पोज आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मैं कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा सा आप बैक हो जाओ जरा सा, तो हमने आपको इसी वीडियो में, अब चाहो तो आप सामने का बता दो कि भाई हम इतने घने जंगल में आ गए भाई लोगों, देखो आपको रिस्क ले करके कितनी जगह दूर आ चुके हैं जिसका कोई अता पता नहीं, काफ़ी दूर है वो दोस्तों गांव जो दिख रहे हैं, बहुत दूर है, हम बिल्कुल पहाड़ी के बीचों बीच आ चुके हैं, और समय के साथ इस पहाड़ी को भी जो पत्थर उपाड़ने वाले खा चुके हैं, जाने कैसी पहाड़ी होगी जब तक, तो आपको बता दें जो दीवार दिख रही है शायद ये पत्थर जब चुना होगा जब इसको बनाया होगा यार पंडित जी, हाँ दीवार ऐसी बोल रही है, दीवार दीवार है ये पूरी की पूरी एक घर की दीवार है, और इसको किसी ने चुनाया होगा, किसी का घर रहा होगा, कोई रहता होगा इसमें, पानी पीता होगा, सोता होगा, रहता होगा, और दोस्तों हमें जो मर्दबांड मिले यहाँ पे काफ़ी मोटे बर्तन वाले मर्दबांड, तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है यहाँ पे संपन्न लोग थे, और ये ऊंचाई पर है, तो हाँ ऊंचाई ऊंचाई पर है, जो नीचे हमने मर्दबांड देखे थे वो छोटे छोटे थे और वो दूसरी मिट्टी के थे, और यहाँ पे जो मर्दबांड मिल रहे हैं हमें काली मिट्टी के मिल रहे हैं, तो जो दोस्तों काली मिट्टी के जो मर्दबांड होते हैं वो महंगे मिलते हैं, आज भी रामपुर के मटके फेमस है, राजस्थान जी के पड़े हो तो आपने, तो वो महंगे मिलते हैं बजाय साधारण मटकी के, तो ये ऐसा ही पुराने ज़माने में रहा होगा, तो पुराने ज़माने में भी देखो दोस्तों गरीब लोग रहते थे और अमीर लोग भी रहते थे, दोनों टाइप के साहूकार भी रहते थे तो आम लोग भी रहते थे, तो जो ये मेरे को लग रहा है जो पत्थरों की चिनाई वाले घर है ये वाकई अमीरों को ही घर थे, और जो नीचे जो रिहायशी इलाका था हमने मिट्टी दिखाई थी वो मिट्टी वाले घर आम झुग्गी झोपड़ी जैसे रहते हैं, गरीब तबके के लोग वो, यानी आम पब्लिक वहाँ रहती होगी, जो दादा या बोस रहता होगा यहाँ का जो राजा, मतलब जो कांगसों में से भी जो कोई मेन जो आदमी जो पटेल जो होता है वो शायद उसके घर रहा वो रहे होंगे, तो बिल्कुल भाई तू उधर से बता दे, वो रिहायशी इलाका था और जो मैं बैठा हूँ ये अमीरों का इलाका था, और जो ये जो आपको दिख रहा है चौक टाइप का वो यहाँ से लेकर के बावड़ी तक का स्थान, वहाँ पे जो नीचे वाले लोग रहते थे मतलब आम लोग रहते थे, अब दोस्तों समय के साथ ये जो पहाड़ी भी मतलब काट काट करके पत्थरों वाले ने ले गए, और ये जो घर थे ये भी खंडर बन चुके, और आज हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, और ये जिज्ञासा थी मेरी कि यार एक कांगस गोत्र का मीणा होने के नाते, तो भाई लोगों जो भी मीणा बंधु मेरे ये जो वीडियो देख रहा था एक बार लाइक कर देना, और जो कांगस गोत्र के जो मीणा हो चाहे कहीं भी रहते हो वो झालावाड़ बारा अजमेर कोटा, तो यार एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, तो ये हमारा मूल ओरिजिन स्थान है जहाँ पे, और इसी जगह से हमारा जो ये लास्ट गोत्र था इसके ऐसी किदवंती है कि कोई एक महिला थी कांगसों में से, यानी कि उस बावड़ी में क्यों पंडित जी सभी को मार दिया था, और जब सभी को मार दिया था तो उनमें से कोई एक ऐसी लेडीज थी जो दो जीवा थी, मतलब यानी कि वो प्रेग्नेंट थी और वो उसके मायके थी, मतलब जाने कहाँ पे थी, तो उस वजह से यानी कि उस एक महिला की जो लड़का हुआ और उसी लड़के से जो बाकी जो है बाकी जो कांग्रेस की जो जनरेशन चली, मतलब उसका जो वंश चला जो उसकी हेरिटेज चली वो उसी की दौलत है, चाहे वो कांग्रेस कहीं भी रहते हो चाहे अजमेर कोटा बूंदी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रहते हो, लेकिन उसका जो मूल जो ओरिजिन स्थान है दोस्तों वो यही है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, और इसकी जो मेरे को वीडियो बनाने की काफ़ी इच्छा थी, वीडियो तो खैर दूर की बात है लेकिन मेरी देखने की काफ़ी इच्छा थी, लेकिन इच्छा ये भी है कि भाई यार मेरे देखने के साथ साथ मैं आपको भी दिखा दूँ, और दोस्तों मुझे वाकई इस जगह पर काफ़ी मज़ा आया, और इतना मज़ा तो शायद मुझे जो है जम्मू कश्मीर में भी नहीं आया होगा, इतना गज़ब का मज़ा आया। अब दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और उस दिन मैं एक मेटल डिटेक्टर लेके आऊंगा लगभग 20-22 हज़ार वाला, उससे मैं सर्च करूंगा अगर मुझे कुछ अवशेष मिल जाते हैं कुछ धातु के, मतलब चाहे वो लोहे का हो चाहे वो तांबे का हो चाहे कुछ भी हो, तो कोशिश करूंगा अपन यहाँ पे देखेंगे कि यार कुछ मिलता है, लेकिन वो मुझे लग रहा है यार वो तो काफ़ी जब ये दीवारें ढस गई तो हमें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खुदाई भी हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ टोटल पत्थर है, तो क्योंकि यार इतने हमारे पास संसाधन नहीं है और इतना हमारे पास खर्चा भी नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ खुदाई करें,
और अकेले की बिसात भी नहीं है। ये तो सिर्फ बिल्कुल मार मार के बोल रहे हैं कि हेलो, वाकई यहाँ पे जो है रिहायशी इलाका था आर्ज बस। तो भाई लोगो आगे वीडियो ऐसे थोड़ा सा भाई पोज कर देना, मतलब जब आपका कॉल आए तो उसको स्विच ऑफ कर देना क्योंकि उसमें भी आ जाएगा कितनी वीडियो। तो आज हम यहाँ पे आए और ये दोस्तों मेरा गांव के पास में ये स्थान था और हमारे जो पुरखे थे हमारे दादा दादी ये कहा करते थे कि भाई यहाँ पर वो लोग जल पूजा करते थे और जब वो जल पूजा कर रहे थे जो कांगस गोत्र के जो मीना, तो उस समय क्या हुआ कि एक ढोली ने जो धोखे से उन सारे कांगसों को मरवा दिया और उसी बावड़ी में दफनवा दिया जिस बावड़ी का हमने भिड़ते ही जो है वीडियो बनाया था। तो दोस्तों ये जो आज का वीडियो था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और आप भी जैसा कि देख रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शायद मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों और अब यार उस समय को तो मैं पकड़ के ला नहीं सकता, क्यों पंडित जी? भाई समय तो देखो किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन यार दोस्तों मैं आपसे यही अपील करूँगा कि देखो आज मैं हूँ, भाई साहब हैं और जो कैमरा मैन है, हम वीडियो बना रहे, लाख आप भी हो, सब कुछ हो। प्रकृति है, नष्ट होती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती और बिगड़ती है, लेकिन ये इतिहास बन जाती है दोस्तों। ये जो मृदबांड है ना, इनको देखोगे ना आप आंखों से, ये चीख चीख करके पुकार रहे हैं कि यार वो ज़माना वापस आ जाए, यार कुछ पल के लिए आ जाए। और मेरी भी इतनी ख़तरनाक इच्छा है कि मैं भी देखता उस उन लोगों को कि वो कैसे रहते थे, कैसे पूजा करते थे, लेकिन यार दोस्तों उस समय को तो मैं पकड़ के ला नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक कल्पना कर सकता हूँ, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते। तो हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। और ये जो आपको बता सकते हैं कि ये जो दीवाल, ये दीवाल भी ये बोल रही है कि यार हमें बनाने वाला कहीं है क्या, क्यों पंडित जी? देखो वो पत्थर जम रहे हैं, किसने जमाया होगा ये पत्थर पहली बार और आज भी जमा हुआ है, शायद वो किसके हाथ लगे होंगे इस पत्थर को जो यहाँ पे रखा है, इसको जरा सोचो आप। और ये इतनी बड़ी दीवार थी, काफ़ी पुरानी, वहाँ तक ही पूरी तमाम दीवारें थी यहाँ तक, क्योंकि पंडित जी वहाँ तक ही खुदाई करवा दी तो काफ़ी बड़ा होगा, बहुत बड़ा है, क्योंकि समय के साथ नीचे पहाड़ी भी तो नीचे आई होगी, पत्थर भी गिरे होंगे और अब यहाँ वीरान हो चुका, कुछ भी नहीं है। लेकिन पंडित जी अगर यहाँ पे अगर अपन नाइट को आ जाए तो हो सकता है अपन को कुछ हॉन्टेड मिले। हाँ डर लग, डर लगता है, खतरनाक वाला, खतरनाक डर लगे। हाँ तो हम अगर मतलब दो चार आदमी भी आए तो वीडियो बनाए तो भी नहीं बना सकते? नहीं बना सकते रात में। हाँ तो लेकिन वो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे फील करके देखते हैं। लेकिन यार मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ शायद पॉजिटिव एनर्जी है। अगर यहाँ डर लगता तो मतलब उस बावड़ी में तो थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा मुझे, लेकिन इस जगह पे मतलब पॉजिटिव एनर्जी, मतलब हमें थोड़ा सुकून मिल रहा है इस जगह पे बैठने से, हो सकता है इस पहाड़ी की वजह से, लेकिन पहाड़ी के सीन इतना प्यारा है। तो भाई लोगों जो आज का जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा? यहाँ पे जो तमाम मृदबांड आप सर्च करोगे तो बिल्कुल ये सारे तमाम मृदबांड के अवशेष मिल रहे हैं हमें, और थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, ये देखो आप, ये ईंटों के अवशेष हैं, ये मृदबांड मिल रहे हैं, अब इनके सिवा में कुछ और मिल रहा है। ये भी दीवार थी देखो पंडित जी, ये इस पे झाड़ उग चुके हैं, इधर से बता सकता है कैमरा, ये देखो साहब दीवार है ना, बिल्कुल ये देखो, ये दीवार जा रही है, वो वहां तक देखो, बिल्कुल साफ नजर आ रही है दीवार है, ये देखो बिल्कुल नींव भर रही है, देखो पंडित जी ये देखो, ये दीवार यहाँ तक जा रही है, ये देखो आ रही है ना पंडित जी। और ये जो मर्द, ये जो सबसे जो मेन देखो, अरे यार इधर आओ पंडित जी, मेन जो चीज ये कोई कबूतरा टाइप का, ये देखो भाई कैमरा में नहीं बता, ये कोई कबूतरा टाइप का आज भी बना हुआ है, देखो ये पुराने को कच्चा बनाया हुआ कबूतरा, वेरी ओसम यार, ओ यार ये मकान तो वहां तक है भाई, तो कैमरा इधर आओ, ये देखो सर बिल्कुल ये घर है, ये देखो इतना बड़ा इलाका था यार, ये तो काफी मतलब लगभग इसमें 40-50
150 घर होंगे यार यहाँ पे तो। हाँ 100-150 तो नहीं होंगे लेकिन होंगे ही सही 50-60 तो। ईटे वगैरह ये देखो, ये आज भी ये ईटे चिंगाड़ करके बोल रही है, देखो ये सारी ईटे पत्थर सिर्फ यही है उसे बच्चे। ये देखो ये तमाम ईटे ही थे, ये सारी तमाम ईटे दोस्तों। यार कोई यहाँ पे उनका मंदिर वंदिर वो केवल बावड़ी को पूछते थे क्यों? हाँ बावड़ी थी पहले, बावड़ी को भगवान मानते थे वो लोग। हाँ यार बॉस यहाँ तो वाकई है ना। ये देखो ये भी घर था वो वहाँ पे, ये घर बना हुआ नहीं। इधर देखो देखते हैं कुछ और मिलता है तो हमें आओ इधर। देखो इतनी बड़ी बड़ी ईटे यहाँ पे, ईटे यार बहुत मस्त वाली है इनके पास यार। और यार पंडित जी वो वहाँ पे और वहाँ तक बन रहे घर तो इधर आओ तो सही आप। अरे तो काफी बड़ा गांव था भाई वो सब यार, पूरी की पूरी दीवारें हैं यार। वो देखो वो बना हुआ घर। एक मिनट पंडित जी वो अपने वहां पे खुदाई करते थोड़ा सा खाओ भाई, कैमरामैन थोड़ा सावधानी से आना। ये तो घर यहाँ तक थे भाई। एक मिनट रुको, वहाँ चलते हैं, सुना हुआ है इसमें, देखो खोद के देखते हैं इसमें मिट्टी निकलती है या क्या निकलता है। तो लोहे की चीज मिली है देखो भाई, उस जमाने की लोहे की चीज इतनी सी बची है भाई देखो। भाई देखो लोहे की चीज, उस जमाने का लोहा है भाई, पहली बार धातु मिली है बिना उपकरण के भाई। मैं बोल रहा हूँ इसको खोदते हैं पंडित जी। क्या पंडित जी यहाँ पे मिली थी वो जो लोहे की चीज उस जगह पे यार, वो यार ये देखो मर्दवांडी देखो, ये भी कोई मकान है देखो, और वो पत्थर पड़े हुए यार चुने हुए। ये ढूंढो ये देखो भाई, ये बना रखा था उन्होंने यार, ये डसा हुआ है चुना हुआ पंडित जी ये देखना। ओइश अरे यार थोड़ो मतलब यार, ओइ भाई लोगों इतनी बड़ी ईंट देखी क्या आपने? देखो हे भगवान तोड़ दिया यार, तोड़ो मत दोस्त यार, अपन तो नहीं तोड़ते हैं तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही है यार, ये भगवान ऐसा क्या था ये यार दोस्तों। ऐसी पंडित जी ऐसी ईंट मैंने देखी नहीं यार, इतनी चौड़ी ईंट दोस्तों, इतनी चौड़ी ईंट देखी आपने? कभी नहीं देखी होगी यार। यार इतना चौड़ा क्या बनाया था वो गई इन्होंने यार, सांचा भी था इनके देखो, सांचा तो नहीं था पर लेकिन कुछ था, कोई मकान नहीं पर्स कर देंगे ऐसी टाइल से। हाँ हो सकता है भाई पर्स वर्स की टाइल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यहाँ देखो बहुत यहाँ पे काले मर्दबांड ज्यादा मिल रहे हैं देखो आप। यहाँ पे वाकई अमीरों के घर हैं ये, जो बिल्कुल ऊंचाई पे आ चुके दोस्तों, फुल ऊंचाई पे आ चुके। अब इसके ऊपर कोई मकान नहीं है? इसके ऊपर नहीं है मकान, नहीं मकान तो ये सारे तमाम मकान है देखो वहाँ तक, यहाँ तक इधर उधर पिलर रखे सब। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी टीवी थी, एक बार इसको देखते हैं अपन खोद करके। ये एक मिनट यहाँ पे भी थोड़ा सा वो देखो यार इतने बड़े बड़े, ओहो हो भगवान, ये पत्थरों को उन्होंने जमाया था यार। ये देखो पत्थर, ये दीवार है बस यार, क्या दीवार थी उस जमाने की। पत्थर ऐसे ग्रीन तरीके के पत्थर है, ग्रेनाइट बड़े
गिर रहे हैं, इसलिए फूटे हैं ये फूट फूट कर ये। तो समय के साथ सब नस को धीरे पड़ लगी यार। देखो यार लोहे की चीज ले यार, हम देख रहे हैं दोस्तों कोई ऐसी कोई धातु की चीज मिल जाए तो करते हैं, मिल जाएगी तो हो सकता है कोई मंदिर में हो ये। तो मंदिर भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काले मृदभांड है जगह जगह, तो इसका मतलब ये देखो। और यार ये और चीज मिली है मुझे, ये किसकी क्या है ये पत्थर तो नहीं है, ये क्या है इसका? लोया है कि कैंची है, पत्थर से, लेकिन ये पत्थर अजीब टाइप का पत्थर से आया है। अरे यार भाई ये है इधर आओ देखो, मेरी मेरी बात नहीं, इनका क्या प्रयोग था यार क्या सब, इसको देखते हैं अपन खोद करके। मेरे को लग रहा है तो यार समाधि है जी, यहाँ पे था क्या ऐसा, बिल्कुल चुना हुआ है, ईंटें पड़ी हुई है, किसी ने इसको छेड़ा भी नहीं है, क्या चीज है, किसी ने पत्थर देखे, देखते हैं अपने है क्या ये लफड़ा यार। देखिए पंडित जी इसको नीचे को रन दे इसको, देखते हैं एक बार क्या है ये। लाओ पंडित जी बहुत आउट आ रहे थे, देख ही लेते हैं ईंटों को तो देखेंगे अच्छी तरीके से कुछ मिले या नहीं मिले। एक गेट निकाल लो बस, प्यारी जगह देखो, चारों तरफ का पोज दिखाओ आप, यहाँ से जो आपका गांव वगैरह सब दिखेगा इधर ऊपर साइड से, कितनी दूरी है, कितनी घनी आबादी होगी यार, इतना शानदार रहा होगा ये चीज, मेरे को लग रहा है कोई समाधि होगी यार। तो पंडित जी इतनी ईंटें कैसे आ गई है यहाँ पे, ये ईंटें या है लफड़ा क्या है ये, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखो एक मिनट इसको हटाते हैं, ये लफड़ा क्या है यार, मेरे को लग रहा है यार ये कोई हो सकता है मे भी कोई समाधि हो या कुछ ना कुछ लफड़ा, ये कोई घर का ये तो नहीं है यार। हे भगवान ये इतनी बड़ी बड़ी है क्या, ये इनका क्या करते थे ये लोग। देखो तो पंडित जी आप आओ तो एक पूरी साबूत बचरी इसके अंदर आओ, ये देखो ओ रमेश साहब देखो ये क्या क्या काम करते थे इनका यार, मेरे को ये समझ ये खोलू थे या क्या थे ये सर, ये क्या है इसे, ये देखो ईंट छोटी वाली ईंट भी है तो टूटे हुए उसे से, या फिर ये क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार पंडित जी, ये ऐसी मैंने पहली बार लाइफ में पहली बार ईंटें देखी यार, तो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में ही नहीं है भाई। हाँ देखो ये पूरी वाली ईंट निकालते हैं, मेरे को लग रहा है ये देखो, ओ माय गॉड ऐसी बड़ी बड़ी ईंटें, माय गॉड ये भगवान, ये निकालना चाह रहा था मैं। ओ ये देखो दोस्तों, क्या करते होंगे यार ये, और इतनी भारी ईंटों का क्या करते, ये तो चुनाई भी तो नहीं कर रखी इनकी, एक छत के मकान के ऊपर छत को भिड़कते होंगे, छत को इतनी भारी ईंट से नहीं गिर सकती, क्योंकि अगर इतनी भारी इसमें कम से कम भाई ये ना 6-7 किलो वजन है मेरे से बड़ी, इसको वैसे के वैसे धरेंगे। देखो इसके नीचे है क्या, मैं ये देखना चाह रहा था भाई कोई समाधि है या क्या है ये लफड़ा, और मर्दभांड भी मिले इसमें भाई पत्थरों के, ये तो कोई औजार है, तो औजार हो सकता है इसे कुछ काटते होंगे इस पत्थर से, बहुत धारदार पत्थर है तो नाखून काट देता है यार। यार भाई लोग मेरा तो यहाँ से दिमाग गन चक्कर हो रहा है, मैं तो ऐसा करता हूँ इसको वापस लगा देता हूँ, पर इसके अंदर देखते हैं कुछ निकल जाए तो, ये देखो ये पत्थर भी जीप टाइप का, देखो पंडित जी देखो आप और कुछ मिलता है तो, वो
बड़े अजीब टाइप के पत्थर हैं यार। मुझे लग रहा है ये कोई समाधि थी या क्या था यार। ये इसके नीचे कोई आभूषण वगैरह कुछ तो दिखे होंगे, इसके माँ भी कुछ पहनते होंगे। देखो इतनी सारी जगह क्या करते थे वो लोग यार, इतनी इतियात करते क्या थे और किस काम में लेते थे मेरे, ये तो समझ में नहीं आ रहा यार। वाकई यार भाई दिमाग गनचक्कर हो गया भाई यहाँ तो। बहुत ही गजब बहुत बजे। लेकिन ये तो पक्का है ये लोहे का उन्होंने शायद यूज, लोहे अब ये ज्यादा पुराना तो 10वीं 11वीं शताब्दी से तो बाद का है यार, बाद का है क्योंकि ये लोहा है ना, तो ये लोहा उन्हीं का है ये। और ये क्या हो सकता है लगभग आपके आइडिया से? मेरे को लग रहा है कोई कील हो सकती है, कोई ठोकने की, कोई लकड़ी में कोई हल में या किसी में ठोका होगा तो ये कोई वाहन की हो, बैलगाड़ी की हो, बैलगाड़ी की हो सकती है। उस जमाने में बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी चलती थी। प्योर लोहा है, मैं इसकी मैं ले जाऊंगा इसको, ये निशा नहीं है यहाँ की कि वाकई में वहाँ गया था उस कांसू के गाँव के अंदर मेरे मूल ओरिजिनिस्तान से। वाकई यार मेरे को तो ये ईटे तक जोर करिए कि वाकई इनका करते कहते वो लोग यार। और ये तो काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ तक आ गए अपन, इतनी चढ़ाई पे आ गए यार, कितना बड़ा। देखो एक बार कैमरामैन साहब कहाँ से स्टार्ट किया था आपने आके, देखो कितनी दूर है यार। ओहो एक बार दोस्त मेरा वहाँ से फोटो लेना तुम यार, इधर का हमारा उधर का फोटो ले लेना थोड़ा सा। फोटो रईस घर का होगा यार, अभी भी ये चुन रहा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पत्थर है इतना इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब नहीं रहे हो तो भाई लोगों। यार यहाँ भटकते हुए हमें 2-2.5 घंटे हो गए और अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम और आगे ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, केवल एक लोहे का अवशेष मिला है और एक ईंटों के अवशेष है, मर्द भांडों के अवशेष मिले हैं, बावड़ी के अवशेष मिल गए हैं और इन घरों के अवशेष मिल गए हैं। और ये जगह थी जो प्राचीन जो कांग्रेस गोत्र के जो मीणा थे उनके घर थे ये, और हमारे जो भी मीणाओं के जो कांग्रेस जाति के जो लोग हैं वो तमाम समझ जाए कि हमारा जो मूल ओरिजिन स्थान है वो यहाँ पर था। तो भाई लोग अब भाई को इजाज़त दें क्योंकि यार मैं भी थक गया और हमारे कैमरामैन साहब को भी जो है प्यास लगी हुई बहुत ज़्यादा, और हम उनको बड़ी मुश्किल से बुला के लेके आए रामपुरा नाकरण गाँव से। तो मतलब अब आप हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राम राम करते हैं हम लोग कि यार इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम मिलते रहेंगे एक बार और। दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट भी अगर आप कमेंट करते हो दूसरा तो वाकई मेटल डिटेक्टर के साथ में आज हमें लोहा मिला है यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा अंडे जी नहीं आएंगे कोई दूसरे बुजुर्ग आदमी को लेके आएंगे, कैमरामैन को भी लेके आएंगे और आपके लिए प्लीज वीडियो बनाऊंगा मैं ज़रूर से ज़रूर भी जो भी होगा। और मैं देखूंगा कि यहाँ पर उनके कोई मुझे सिक्का मिल जाए या फिर कोई ऐसा कोई हल मिल जाए या कोई बैलगाड़ी का कुछ पट्टा मिल जाए या फिर कोई बैलगाड़ी की जो कीले मिल जाए, कुछ कुछ तो मिलेगा हमको। तो एक बार हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों दोबारा, और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें और आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और तो बेल आइकन जरूर दबाए। जय हिंद जय हिंद साथियों। साहब को प्यास लग रही है यार बेचारा, इतनी देर से मेहनत कर रहा हमारे साथ में, बहुत ढूंढा हमने, अंधेरा हो चुका, जानवर का खतरा है और आपको दिखा दे इधर कितना डेंजर खतरा है भाई, कैमरामैन ऊपर भी दिखा देना तो, और एक बार पूरा 360 डिग्री का रोटेशन बता देना यहाँ से कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। तो इन तमाम वीडियो घटनाओं के साथ में अब हम दोस्तों जा रहे हैं, और हमें इजाज़त दो और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ठीक।